रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस पर लगाए गए इन आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत दुनिया के देशों की परवाह किए बिना रूस से लगातार तेल आयात कर रहा है। भारत फिलहाल रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात कर रहा है। भारत को ये तेल सस्ते दाम पर मिल रहा है, जिससे वो अपने दोस्त रूस की मदद भी कर रहा है और इससे भारत को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। इसी बीच अब एक बड़ा मुस्लिम देश भी भारत की नकल कर रहा है। उस देश का नाम है सऊदी अरब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब भारत की तरह रूस से लाखों बैरल तेल खरीदने के बाद उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है। सऊदी अरब के इस कदम से यूरोपियन यूनियन के उस फैसले को बड़ा झटका लगा है, जिसका मकसद रूस को बड़ा झटका देना है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अप्रैल 2023 में रूस से लगभग 1,74,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और गैस आयात किया है। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है कि मई 2023 में सऊदी अरब अप्रैल के मुकाबले और ज्यादा तेल रूस से आयात कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चूंकि पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो ऐसे में रूस से सीधा तेल निर्यात करने पर सऊदी अरब पर एक्शन हो सकता है। इसलिए सऊदी अरब रूस से आयात तेल को पहले अपनी रिफाइन कंपनियों में रिफाइन करा रहा है और फिर उसे यूरोप को बेच रहा है। सऊदी अरब का ये पूरा प्लान भारत से कॉपी किया हुआ है। दरअसल भारत ये काम पिछले काफी महीनों से कर रहा है। भारत रूस से आयातित तेल को देश की रिफाइन कंपनियों में रिफाइन करके यूरोपीय बाजार में बेच रहा है। सऊदी अरब ठीक भारत की नकल कर रहा है। सऊदी अरब को तेल के खेल में पिछाड़ने वाले भारत ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इससे पहले भारत सऊदी अरब और कई मुस्लिम देशों से ही सबसे ज्यादा तेल आयात करता था। लेकिन रूस और भारत की दमदार दोस्ती ने मुस्लिम देशों की हेकड़ी निकालते हुए उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। सऊदी अरब की हालत ये हो गई है कि वो अब तेल के खेल में हारने के बाद भारत की नकल कर रहा है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।